तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 5 फेवरेट ड्रेस जो कि मैंने रिसेंटली वीडियो में पहने हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। कुछ लोगों ने तो मुझे DM भी करके पूछा है कि आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है, लेकिन शायद वो अभी अवेलेबल ना हो क्योंकि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो 3-4 महीने ड्रेस पहले लिए थे तो शायद वो अब स्टॉक में ना हो। लेकिन मैं आपको उनको डिटेलिंग बताऊँ कि आप उसको स्टिच करवा सकते हैं, कोई मुश्किल डिज़ाइनिंग नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊँगी और आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है मेरा ड्रेसिंग रूम। ओके, ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये भी इसी ब्रांड का है जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है। एक तो इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना इनका काफ़ी लूज होता है, लूज स्टाइल में बनाते हैं ड्रेसेस, और इनका लॉन्ग लेंथ भी होता है, इसलिए ये मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है, लूज का नाम है इसका। ठीक है, अभी चलें स्टार्ट करते हैं आज ड्रेसिंग नंबर 1। ओके, दिस ड्रेस, इसके प्लेट्स लगे हुए यहाँ पे बनाए हुए स्लीव में, और इसकी फुल स्लीव है फिटिंग में, और यहाँ पे लगी हुए सिर्फ इसका वी नेकलाइन है, और फुल लेंथ इसका ड्रेस है, मतलब फॉर्म तक आता है, और बीच में ऐसे ना ये बना हुआ है, स्लेट कहते हैं इसको, वो बनी हुई है फुल। ठीक है, बहुत ही अच्छा है इसका, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी बनी हुई है कि यहाँ पे ना बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, मतलब यहाँ से फिट है और नीचे से फुल खुला है। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, और ये इसके ऐसे खुले स्लीव्स हैं, और इन्होंने वाइट प्लेन रखा हुआ है, और साइड से इन्होंने ऐसे प्रिंटेड रखा हुआ है, और यहाँ पे भी इसका एक स्लेट यहाँ पे है, एक स्लेट यहाँ पे, मतलब ये ना बिल्कुल ऐसे है, और इसको व्हाइट ट्राउजर के साथ और व्हाइट स्कार्फ के साथ अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा ड्रेस है ये, अभी तक मैंने पहना नहीं है, हो सकता है कि ये जब पहनूं। ये मेरा सेकंड ड्रेस है, और एक मेरा फेवरेट ड्रेस ये भी है, ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये भी फुल, मतलब इसके स्लीव जो है ना, कोई सामने शीशा है तो मैं वो देख रही हूँ शीशे में। अच्छा, ये नेट के स्लीव है, और ये फुल है, और इनके नीचे जिप लगी हुई है, और इसका भी मतलब ऐसे है, ये काफ़ी लूज स्टाइल में है, और बीच में इसके ऐसे स्लेट बनी हुई है, ये पहना हुआ बहुत प्यार लगता है, बहुत ही प्यार ड्रेस है, इसकी लेंथ भी पाँव तक है, मतलब ये ऐसे ही जैसे कि आपने अबाया पहना हुआ, लेकिन स्टाइलिश अबाया, मतलब बहुत नाइस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये है एक ड्रेस, ये है एक ड्रेस, तो ये इतना फनी है, ये जो मैंने मेरी बहन ने मेरे लिया था, हिना ने या राबे ने, तो जब उसे लिया ना तो मैंने कहा ये साड़ी का सामान भी गया, उसको चूहा खा गया लेकिन स्टाइल ही आता है, ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, जब मैंने देखा तो मैंने कहा नो ये मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने पहना तो बहुत अच्छा लगा। इसके लॉन्ग स्लीव्स है एक साइड, और एक साइड ना वाइट ट्राउजर, लाइक ऐसे लगता है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा ये ड्रेस कैसा है, लेकिन जब मैंने देखा था तो मुझे फर्स्ट नजर में बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब पहना था तो अच्छा लग रहा था। इसको आप थोड़ा सा लूज में था तो इसको मैंने बेल्ट के साथ पहना था, लेकिन आज मुझे बेल्ट मिल नहीं रही थी तो मैंने ऐसे ही ड्रेसिंग ऐसे ही स्टैंड किया इसको, लेकिन ये बेल्ट के साथ तो अच्छा लगेगा, वाइट बेल्ट के साथ। ओके, एक ही ड्रेस है, आई थिंक मैंने 5 ज़्यादा दिखा रही हूँ, लेकिन पहनूंगी मैं सिर्फ 5 ही, एक मैंने पहना हुआ है और 4 और पहन के ट्राई करूंगी। और ये ड्रेस तो इतना अच्छा है, ये मेरी बहन का ड्रेस है राधे का, जब उसने पहना ना जो मुझे मिलने आई पाकिस्तान में जब मैं गई तो उसने पहना हुआ था, मैंने कहा राधे ड्रेस मुझे फोन उतार के दो, ये मुझे चाहिए, मेरा ड्रेस है, तो उसने मुझे फोन दे दिया, तो राधे थैंक यू सो मच। और इसकी जो स्लीव है ना 3/4 जो होती है ना वो है, और आगे ना सिंपल इसके 3 पैचेस लगे हुए हैं, आप कोई भी 3 पैचेस लगा सकते हो, ब्लैक के साथ आप यहाँ पे रेड एंड पिंक भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ब्लैक के साथ तो हर एक चीज अच्छी लगती है, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 3 मतलब 2 कलर को क्रॉस करके पैचेस लगा सकते हैं, और एक यहाँ पे, और ये फुल स्लीव्स मतलब बीच में ऐसे स्लीव्स लगे हुए साइड में, नीचे आपको फुल लेंथ कितनी शर्ट पहननी पड़ेगी, और नीचे ब्लैक ट्राउजर, और या ब्लैक वेस्ट एंड ब्लैक जीन्स पहन सकते हो नीचे, तो ऊपर ये ड्रेस बहुत प्यार लगता है, इतना प्यार लगता है कि प्यार से बाहर है। अच्छा, ये है ड्रेस नंबर 1, ये बिल्कुल ए लाइन में बना हुआ है, ये ए शेप में बना हुआ है ड्रेस, और साइड में ना स्लिट्स भी हैं, उस स्लिट्स में भी नेट
टाइप टिश्यू लगी हुआ है, और स्लीव आपने ना कोई भी प्रिंट पेपर लेके बनवा सकते हैं, बहुत इजी है। बस आपने इसको साइड में जो होते हैं स्लिट्स और जो स्लीव्स हैं उनको फैंसी रखना है, लाइक कोई भी आप नेट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी डिफरेंट कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और ये रहा ड्रेस नंबर 2, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। लेकिन ना मुझे जो स्लीव्स है ना उसमें ना चोंटे पड़ी हुई थी, वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं किए हैं। ये मैंने पहना था ईद में, जो लास्ट रमजान वाली ईद थी ना, ईद उल फितर, यस वो वाली ईद में पहना था। बहुत प्यारा ड्रेस था ये भी, और उसमें मैचिंग मेरे पास काफ़ी है। तो ये भी आप आगे से ओपन है, इजीली बनवाया जा सकता है, कोई भी आप प्रिंट का मतलब प्रिंटेड कपड़ा लेके ना। और ये तो बहुत प्यारा ड्रेस है इनका, ये भी आपको इजीली प्रिंटेड, सारे ड्रेसेस इनके होते हैं प्रिंटेड, पता नहीं कहाँ से लेते हैं कपड़ा, बहुत ही प्यारा था। और जो इसके जो है ना सॉरी स्लीव, ये प्रॉपर टिश्यू नहीं है, ये नेट है। और आगे इन्होंने सेम अपने आगे ने जो कफ होता है ना वो भी इन्होंने सेम कपड़े में बनाया हुआ है, सिर्फ स्लीव थोड़े से ना उन्होंने बनाया हुआ है नेट में, जो कि आप करवा सकते हैं डाई सेम कलर में। और ये है फनी वाला ड्रेस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो ना देखने में हाफ था, ऐसा लगा था कोई जानवर खा गया है, लेकिन इस नाइस स्टाइल में था, बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट ट्राउज़र के साथ, मैंने ब्लैक में पहना था लास्ट वीक, ब्लैक के साथ इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वाइट के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ये ड्रेस ना स्मॉल साइज़ में है, लेकिन मुझे अभी भी लूज़ था, तो इनके होते ही लूज़ शेप में सारी ड्रेसेस। और ये ब्लैक ड्रेस है, सबसे प्यारा ड्रेस, ये बहुत प्यारा है, ये भी ईजीली बनवाया जा सकता है। नीचे से भी ना आप ऐसे टेलर को दे सकते हैं, सिंपल पैच के कपड़ा दे सकते हैं, तो ईजीली बना के दे सकते हैं, बहुत प्यारा ड्रेस था। तो ये थे मेरे ड्रेसेस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आप बताएं आपका इन सारे ड्रेसेस में से फेवरेट ड्रेस कौन सा है। मेरा ब्लैक है, और एक ये ग्रीन वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह वेरी सून, अल्लाह हाफिज़।